साथ आप देख रहे हैं राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क। उत्तराखंड में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय विभाग को नई नियमावली का इंतजार है। यह नियमावली विभाग को विशेष शुल्क के रूप में मिले 8 करोड़ रुपयों को खर्च करने से जुड़ी होगी, लेकिन अभी तक अधिकारियों के स्तर पर तय समय सीमा में इस नियमावली को अभी तक तैयार नहीं किया गया है, जिससे नाराज कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं और नियमावली को जल्द तैयार करने को कहा है, जिसके बाद 8 करोड़ रुपये के बजट को विभाग विभिन्न योजनाओं में खर्च करेगा। जिसमें मैंने उन्हें साफ साफ ये निर्देशित करा था कि 15 दिनों के अंतर्गत आप जो हमारे को 1 रुपए अतिरिक्त शुल्क के रूप में महिला कल्याण कोष के लिए प्राप्त हुआ है, जो टोटल धनराशि 8 करोड़ है, उसके लिए एक नियमावली बननी है। उस आखिरकार वो नियमावली हम लोग 15 नवंबर तक बना कर दें, इस प्रकार का निर्देश पूर्व में निर्गत किए थे, लेकिन जब पुनः समीक्षा की गई तो उसमें पूरी तरीके से तैयारी नहीं थी, जिसको लेकर मैंने नाराजगी व्यक्त करी, क्योंकि समय कम है और हमारे पास में बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो धनराशि के लिए जो है वेटिंग में है, और हम यदि नियमावली नहीं बना पाएंगे तो धनराशि स्वाभाविक रूप से वह खर्च नहीं हो पाएगी, और जो हम महिलाओं के सशक्तिकरण या उनके कल्याण के संदर्भ में जो हम लोगों का संकल्प है वह भी पूर्ण होने में फिर। ऐसी ही जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क से।